बिचौलिया है, परमात्मा और रूह के बीच में वो बिचौलिया है। जब तक वो बिचौलिया हमारा काम नहीं करवाता है वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता। वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो हमें ज्ञान के दाता है और रास्ता दिखाने वाले हैं, हमारे कर्म को समझाने वाले हैं कि किस कर्म को करने से हम वहाँ और कैसे पहुँच सकते हैं। जब बाहर आए सुखदेव मुनि, जगह जगह जब ये बात सुनी कि तेरा गुरु नहीं है, तेरा अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी गुरु की जरूरत पड़ती है? बोले कि हाँ पड़ती है, अगर चाहते तो वही कह देते कि आजा मैं नाम की दीक्षा देता हूँ, तेरे पिता के साथ साथ में तेरा गुरु भी बन जाऊँगा। बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन उन्होंने राजा जनक के पास भेजा उनको। बोले कि इस वक्त में सबसे बड़ा संत जनक हैं, जनक जी के पास जाओ और उनसे तुम नाम की दीक्षा लो, तुम्हारा कल्याण होगा। और उन्होंने जाके दीक्षा किन से ली? जनक जी से। वहां भी ली, वो तो एक अलग तरीका था, लेकिन उसमें भी जाके जब देखा कि तो राजा है, रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि पिताजी ने कहाँ भेज दिया, वो राजा है, मैं त्यागी हूं, मैं महात्मा हूं, वो संसार के कामों में फंसा हुआ है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, उसने शादी करके पत्नी रखी हुई है, वो दुनियादारी पर हुक्म चलाता है, मैं किसी को किसी प्रकार का पीड़ा दुख नहीं देता, वो अगर किसी से न्याय करता है तो किसी को दुख सजा भी देता होगा, किसी से प्यार भी करता होगा, वो कैसे गुरु हो सकता है? लेकिन जब वहां जाके देखा तो राजा जनक जानते थे, समझते थे, जान लिया था कि सुखदेव मुनि के भ्रम में डोडी पे ही बाहर खड़ा कर दिया। 7 दिन तक बात नहीं पूछी, कौन है तू, कहां से आया है? 7 दिन के बाद जब अंदर बुलाया, अंदर बुलाते ही रचना रच दी संतों की लीला। उसको समझाने के लिए एक दरबारी आया और आके कहने लगा, जी आग लगी हुई है, मिथिलापुरी में पहुंच गया आग, यहाँ साथ में ही जलने, यहाँ अपने महल तक पहुंचने वाली है। राजा जनक वैसे ही बात करता रहा, गौर नहीं किया। लेकिन सुखदेव जी जो अपनी झोली झंडा बार रख के आए थे, उनको लगा कि यहाँ अगर आग आएगी तो मेरे झोली झंडा कभी ना जल जाए। उठ के चलने लगे, बोले हाथ पकड़ के, बोले कहाँ जाता है? बोले जी मेरा झोली और झंडा है। बोला मैं अपने राज की परवाह नहीं करता, महलों तक आ गई मैं उसके बारे में नहीं सोचता, तू कहता तू तो सोचता था मैं त्यागी हूँ, ये राजा है, तू कहता था ये तो पत्नी रखता है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, देख अब कौन है। पैर पकड़ लिए कि वाक्य में आप संत हो, आप सिद्ध हो, आप पूर्ण हो, आप महात्मा पुरुष हो, आपको ही गुरु बनाओ, और राजा जनक को गुरु बनाया। जब गुरु भाव आया तो सुखदेव मुनि सब मुनियों में श्रेष्ठ माने गए, बिना गुरु के नहीं।